नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। तो हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, इसको हम लोग एक साथ कभी कभी बोल देते हैं कि इसका मास ये है, लेकिन इस दोनों में प्रॉपर डिफरेंस होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग प्रॉपर से समझने वाले हैं। पहले दोनों को अलग अलग से समझेंगे, फिर इस दोनों का डिफरेंस भी जानेंगे इसी वीडियो में कि इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मास क्या होता है, ठीक है। तो हमने इनर्सिया वाला चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसकी इनर्सिया का मेजर होता है। इनर्सिया क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है। यही लॉ ऑफ इनर्सिया है। तो उसका जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, वो इनर्सिया का मेजर होता है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फोर्स लगाने पे ही मूव कर रहा है तो उसकी मास ज्यादा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत इजीली मूव कर जा रहा है तो उसकी इनर्शिया कम है, मतलब कि उसमें इनर्शिया कम है वैल्यू, मतलब कि उसकी मास कम है। तो यहाँ पे इसका मास का कंसेप्ट आ जाता है। और इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, उल्टा करके भी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास कम है तो उसकी इनर्शिया भी कम होगी। तो इनर्शिया वाला चैप्टर में ये मैंने डिटेल में बताया, इसको अगर नहीं देखा तो उसका लिंक दिया हुआ है इनर्शिया के वाला वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हो, ओके। अगर हम लोग इसको फिजिक्स के तरह से, तो इनर्शिया के फिजिक्स में तो इनर्शिया के तरह से हम लोग डिफाइन कर दिए। अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री के थ्रू से भी अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें अगर मास को, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितना मैटर है उस हिसाब से उसका मास ज्यादा या कम होगा। ज्यादा मैटर है तो ज्यादा मास हो जाएगा, कम मैटर है तो कम मैटर होगा। यहाँ मैटर का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, कितना बड़ा है, कितना ज्यादा उसमें है, ठीक है। तो अगर हम लोग छोटा सा एग्जांपल से बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार है, ओके। कार में अगर टोटल मैटर की बात करें और उसको कंपेयर कर दे एक बस, ऑब्वियस सी बात है कि कार में टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कम है और बस में टोटल अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है, इसलिए मास बस का ज्यादा होगा और कार का कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। वही अगर इनर्शिया के तरफ से अगर समझना चाहे, तो अगर हम दोनों कार और बस दोनों स्टॉप में रुका हुआ है, अगर हम लोग इस दोनों को पुश करना चाहते हैं, तो कार में अगर हम लोग थोड़ा जोर लगाएं तो ये पुश हो जाएगा, ये थोड़ा सा अपने जगह से मोशन में आ सकता है। वहीं अगर कार बस को पुल करना, तो ये बहुत कठिन बात है, कई आदमी लग जाएंगे, 5-6 आदमी लगेंगे तब जाके ये बस मूव होगी। तो मतलब कि इनर्शिया का भी यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है और मैटर है, दोनों तरह से आप मास को समझ सकते हैं कि ज्यादा अगर मासी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें ज्यादा इनर्शिया होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा इनर्शिया है तो उसमें ज्यादा मास होगा, दोनों तरफ से ये चीज वैलिड होती है, ठीक है। मास जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है वो किसी भी दूसरे प्लेस पे लेके चले जाए वो मास चेंज नहीं होने वाला। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, ठीक है, तो उसका मास कहीं पे भी लेके जाए, अर्थ के अंदर में लेके जाए, अर्थ के सरफेस पे रखे, या मून पे लेके जाए, या मार्स पे लेके जाए, कहीं पे भी लेके जाए, तो अर्थ का मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, सॉरी ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और मास की अगर हम और बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में, और ग्राम में भी इसको मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट kg हो जाता है, ओके, हर जगह इसका यूज होता है। अब हम लोग समझते हैं वेट क्या होता है, ठीक है। मास तो हम लोग समझ दिए, उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, उसमें क्या जो मैटर है कितना कंटेन कर रहा है, या फिर इनर्शिया की तरफ से भी समझ लिए, वो मास हमें समझ लिए। अब हम लोग वेट को समझते हैं। वेट क्या होता है? वेट क्या है? एक फोर्स है। पहली चीज, वेट उस मास नहीं है, वेट द्रव्यमान नहीं है, वेट होता है फोर्स, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए फोर्स विद इन विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। वेट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए 10 kg वेट है, तो इसका मतलब हो गया कि वो 10 kg फोर्स से हमें अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ठीक है, वो उसको वेट कहेंगे, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे अभी थोड़ा देर में समझ जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, अगर हम लोग ये चीज, तो हम लोग जानते हैं अर्थ जो है वो हर चीज को अपने तरफ खींचता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अपने तरफ खींचता है, और जब कोई चीज खींचता है तो उसके जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जी का वैल्यू जो 9.8 होता है मीटर पर सेकंड होता है, इस पर वेरी कर जाएगा, ठीक है। इसको और डिटेल में समझने के लिए अगर हम लोग
जानते हैं, जैसे कि वेट मैंने बताया कि ये फोर्स है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, फोर्स का भी फॉर्मूला सेकंड लॉ से ये होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एसेलरेशन जो लग रहा है वो डाउनफॉल लग रहा है, मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ लग रहा है, और ये जो होगा एसेलरेशन, ये एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इसलिए एफ इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे, और ये अट्रैक्शन फोर्स है और इसी को वेट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ के द्वारा और जो उसको खींच रहा है अपने तरफ, उसी को हम लोग वेट कहेंगे, और इसको डिनोट करते हैं W से। वेट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, W से। ओके, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब W को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो फोर्स है उसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, तो W इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं फोर्स को W से, और मास हो गया ऑब्जेक्ट का मास, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू। वही अगर हम लोग वर्ड में इसको लिखना चाहें तो वेट हो गया W, वेट मास एम से डिनोट करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट वेट का क्या होता है, सेम फोर्स का होता है। ठीक है, जो कि न्यूटन में नापा जाता है। वेट और मास में उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो वेट है वो फोर्स होता है, और मास है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाली मास, और जो उसकी वेट है उसमें मास से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज निकलता है। अगर हम लोग वेट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, और इसमें मास भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू भी इसका आता है, और इसमें डायरेक्शन भी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अगर हम लोग को कोई चीज़ का वेट दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 kg किसी चीज़ का वेट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को अगर निकालना है कि उसका मास कितना होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग वापस से 9.8 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे वेट को, तब वो निकलेगा। अगर सुविधा के लिए 10 लेके चलते हैं, तो वेट अगर किसी चीज़ का 10 newton है वेट है, तो उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तब उसका मास निकल के आएगा 1 kg। ओके, अब हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मास की बात करें तो मास है, मास इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसको वो मेजर करता है मास, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, वही अगर वेट की बात करें तो वेट क्या हो गया, फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू जो अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो उस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसको हम लोग वेट कहेंगे। ये मेन डिफरेंस हो गया। उसका और डिफरेंस देखते हैं, मास क्या होता है, मास रिमेंस कांस्टेंट रहेगा यूनिवर्स में, कहीं भी लेके जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। वेट वेरी करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, क्योंकि जो वेट होता है वो कोई ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ पे, तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रही है, अपने ग्रेविटी से कितने फोर्स से खींच रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो मून पे जो एक्सेलरेशन, मून तो कुछ, अगर मून पे चले जाएं तो वहां पे तो कुछ और फोर्स से वो खींचेगा, जुपिटर पे चले जाए तो वो कुछ और फोर्स से खींचेगा। इसलिए मास तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वेट वेरी कर जाएगा, अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग जगह पे वेट वेरी करेगा। ओके, मास को नापा जाता है केजी में या ग्राम में नापा जाता है, किलोग्राम या ग्राम में नापा जाता है, वही वेट को न्यूटन में नापा जाता है। मास जो है स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वहीं वेट वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन बना देते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, ध्यान रखिए यहाँ पे मास दिया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं होने वाला, 10 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, इसका वेट क्या होगा अर्थ पे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। मास जो है 10 kg दिया हुआ है, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 m/s। ये आपको याद रखना है, कहीं पे भी आ सकता है, जी का वैल्यू 9.8 m/s उसका लिख देंगे। अब वेट निकालेंगे, W mg होता है, जैसे बताया मैंने, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा कितना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, मास ऑब्जेक्ट का मास हो गया, तो 10 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 m/s का, तो 98 newton। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 98 newton हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 10 kg था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट 98 newton निकल के आया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।